हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पुलाव बनाना, तो आइए बनाते हैं। पुलाव बनाने के लिए ये हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया है, और 3 हमने प्याज लिए हैं, इनको हमने लंबा लंबा इस प्रकार से कट कर लिया है, 2 गाजर, 2 आलू और 1 कटोरी हमने मटर लिए हैं। आलू को हमने गोल काट लिया है और 2 गाजर को भी हमने गोल टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 मोटी इलायची और 8 से 10 हमने काली मिर्च ली हैं, 5 से 6 हमने लौंग ली हैं, ये 15 से 20 कलियां हमने लहसुन की ली हैं, 4 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, 4 मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी पुलाव। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी, मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑयल डालूंगी पुलाव के लिए। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम मसाले चेक कर लेते हैं। मैं टमाटर के अंदर ही मसाले ऐड करूंगी, आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने चावल में भी थोड़ा सा नमक बॉईल करते हुए डाल लिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, आधा चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी, साथ ही ये जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं इन्हें भी डाल दूंगी। मोटी इलायची को मैंने तोड़ के डाला है, अब मैं इसमें ये लहसुन डाल दूंगी और मैं इसे हिलाऊंगी। हमारा भुनने लगा है, मैं थोड़ा सा और ब्राउन होने दूंगी लहसुन को। लहसुन हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। और प्याज को मैं थोड़ा सा भुनने दूंगी, प्याज को मैं ज्यादा लाल नहीं करूंगी। प्याज हमारे हल्के से भुन चुके हैं, अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगी और साथ ही टमाटर डाल दूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। एक से 2 चम्मच मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये हमारा मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें ये मटर, गाजर और आलू डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए सब्जी गलने तक का इंतजार करेंगे हम। तो आइए चेक करते हैं हम सब्जियों को। और ये हम आलू को तोड़ के देखेंगे, आलू हमारे गल चुके हैं, थोड़ा सा और भूनने दूंगी मैं इन्हें। सब्जी हमारी गल चुकी है और सब्जी ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और अब मैं इसमें ये चावल डालूंगी।
अब मैं इसमें ये मैंने एक नींबू का रस लिया है इसको डाल दूंगी, और ये मैंने केवड़ा लिया है और मैं इसमें ये केवड़ा डाल दूंगी, मैं एक चम्मच के आसपास केवड़ा डालूंगी। ये इसे हमारी ये पुलाव है बहुत ही बढ़िया और खुशबूदार बनेगी। ये हमारी सब्जी के अंदर चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक भाप में ही स्लो गैस पे पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारी पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे एक प्लेट में मैं सर्व करूंगी। ये हमारी पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।